नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारे घरों में कई बार हम ब्रेड लेते हैं तो उसके दो तीन दिन के बाद हमारा मन नहीं करता खाने का, तो उसको फेंकिए मत। उसका एक हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बन सकता है, उसको हम ब्रेड उपमा कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ब्रेड उपमा बनाने के लिए मैंने ये फ्रेंच बीन्स ली हुई है, ये मैंने चॉप की हुई है, ये मैंने गाजर ली हुई है एक, उसको भी चॉप किया हुआ है, दो शिमला मिर्च ली हुई है मैंने, उसको भी चॉप किया है, दो हरी मिर्ची ली हुई है उसको भी चॉप कर दिया मैंने, एक बड़े साइज के प्याज को भी चॉप कर लिया है, कुछ फ्रेश मैंने कड़ी पत्ते लिए हुए हैं और मैंने एक लेमन ली हुआ है जरा टेस्ट फ्लेवर देने के लिए। चलिए अभी जो ब्रेड पड़े हुए हैं हमारे दो तीन दिन पुराने, इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करना है, ऐसे हाथ से कर सकते हो आप। मैंने ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने कढ़ाई रख दी है, आप ऑयल भी डाल सकते हो, मैं देसी घी से बना रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। और जो देसी घी डाला था वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, ये मैं थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हींग ऐड, चिल्ली ऐड कर रही हूँ इसमें, कड़ी पत्ते भी ऐड कर रही हूँ, अब जब मैं प्याज भी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा सॉल्ट कर लेंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता फिर हम इसमें वेजेस ऐड करेंगे। अब मैं वेजेस ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रेंच बीन्स डाल दी हैं, अब मैं शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ, अभी गाजर भी डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स, अब इनको भी अच्छी तरह सॉर्ट करेंगे हम। देखिए अच्छे से सॉर्ट हो चुके हैं ये वेजेस, अब हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये नमक स्वाद के अनुसार फ्रेंड्स, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब हम ब्रेड के जो हमने छोटे छोटे कट किए हुए हैं वो डालेंगे हम। फ्रेंड्स अभी हम इसको हिलाएंगे, पूरा वेजेस के साथ मिक्स कर देंगे हम। अब आप ये मत समझिए कि फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए लास्ट स्टेप है, वो आप जरूर देखिए क्या मैं डालती हूँ लास्ट में, जो और ज्यादा फ्लेवर आएगा इसमें। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया वेजेस के साथ, अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे, थोड़ी देर इसमें फ्लेवर मिक्स होने दीजिए। चलिए अब हम लिड हटाते हैं अपनी, और देखिए फ्लेवर बिल्कुल ऐड हो चुके हैं वेजेस के, ब्रेड के, ये देखिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है। अभी हमारा लास्ट ट्विस्ट बाकी है, वो ये है कि अब हम ये लेमन है इसका जस्ट डालेंगे हम, और आपको ये ध्यान रखना कि जस्ट आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही डालना है, अगर अंदर से ज़्यादा डीप कर लोगे तो फ्रेंड्स फिर वो कड़वा हो जाएगा। थोड़ा सा एज ए फ्लेवर के लिए डालना है आपने, थोड़ा थोड़ा करके, एक ही जगह से नहीं घिसना है आपने, थोड़ा थोड़ा पूरी जगह से घिसना ताकि पूरा जस्ट हमारा ऐड हो जाए हमारे ब्रेड। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है, ये देखिए अभी हम इसमें लेमन भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब हम लेमन ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा लेमन से। तो चलिए अब हम जी हमारी रेसिपी है ये कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है, अभी हम इसको सर्व करते हैं। देखिए मेरा ब्रेड उपमा रेडी है, बिल्कुल देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में उतना ही अच्छा है। तो अगर फ्रेंड्स अगर ये मेरी आपको वीडियो रेसिपी अच्छी लगी प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर। धन्यवाद।